नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली समेत देश भर के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी। मुंबई में प्रदर्शन में शामिल हुई पूजा भट्ट, कहा अब आवाज उठाने का वक्त आ गया। दिल्ली के शाहीन बाग धरने का आज 45वां दिन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के विवादित भाषण पर चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट मांगी। शाहीन बाग को लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का विवादित बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के नए नारे, मेरा वोट काम को सीधे केजरीवाल को, देश के बेरोजगारों को काम दो सारों को। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में चुनाव के लिए बीजेपी ने नेताओं की फौज खड़ी की। कोलकाता लिटरेरी मीट में नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने कहा देश भयानक मंदी की चपेट में आ सकता है, आंकड़े यही बता रहे हैं। 2002 में गुजरात के सरदारपुरा में दंगे के 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कोर्ट ने सभी दोषियों को सामाजिक और धार्मिक कार्य करने के लिए कहा। कोरोना वायरस से चीन में अब तक 106 लोगों की मौत, 1300 नए मामले सामने आए। दिल्ली में भी कोरोना वायरस की दस्तक, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 3 संदिग्ध मरीज भर्ती, वुहान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया का जंबो जेट तैयार। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली, बारिश होने से ठंड बढ़ी, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में अमेरिका की सोफिया केनिन पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया की एसले बार्टी पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंतिम चार में।